हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियल कापेक्स। एंड कैसे आप सब लोग। तो गाइस, आज जिस टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ, इस पे मैं काफी टाइम से सोच रहा था वीडियो बनाने के लिए, बिकॉज मैंने काफी लोगों को देखा है कि लोगों को ये हमेशा कंफ्यूजन रहती है जब भी वो एक न्यू कार प्लान कर रहे होते हैं। तो जनरली 50-60% ऑफ पॉपुलेशन यही करती है। हम लोग शोरूम जाते हैं, शोरूम विजिट करते हैं एंड सेल्स पर्सन हमें कार दिखाते हैं, एंड जो प्राइस हमें शोरूम की तरफ से बताया जाता है या सेल्स पर्सन जो हमें प्राइस बताते हैं, उसमें हम थोड़ी बहुत बार्गेनिंग करके उसको फाइनल कर लेते हैं। जो ब्रेकडाउन लिस्ट हमें प्रोवाइड करता है शोरूम या सेल्स पर्सन जो हमें दिखाता है, उसमें कई सारे कंपोनेंट्स होते हैं जिसके बारे में मेजॉरिटी ऑफ लोगों को नहीं पता होता। हो सकता है आप में से जो वीडियोस देख रहे हैं उनमें से कई लोगों को ये चीज़ें पता हो, बट मैं मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ, हम लोगों को ये चीज़ नहीं पता चलती मेजॉरिटी लोगों को कि किस किस कंपोनेंट में कितना कितना मार्जिन रहता है डीलर के पास और कहाँ से आप डिस्काउंट ले सकते हो डीलर से। बिकॉज ऐसा नहीं है कि डीलर्स के पास कहीं पे कोई मार्जिन नहीं रहता। बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जहां पे डीलर अपना मार्जिन रखते हैं, एंड वो मार्जिन हम कैसे डीलर से ले सकते हैं, आज ये सब हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं खींचेंगे, सीधे स्ट्रेट टू द पॉइंट जाएंगे एंड सीधे वही डिस्कस करेंगे जिसकी हमें इस वीडियो में ज़रूरत है। तो गाइस, नॉर्मली होता क्या है, मैं आपको एक ब्रेकडाउन लिस्ट दिखाता हूँ। मेरे पास अभी करंट ब्रेकडाउन लिस्ट नहीं है, बट ये मैंने इंटरनेट से डाउनलोड करी है। तो इस लिस्ट में देखते हैं एंड फिर डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट हैं जहां पे डीलर्स के पास मार्जिन रहता है और कहां कहां से हम वो मार्जिन वो डिस्काउंट डीलर से ले सकते हैं। तो आपकी स्क्रीन में ये लिस्ट दिखाई दे रही होगी, तो हम इस लिस्ट पे बात करते हैं कि इस लिस्ट में कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जहां पे हम डीलर से मार्जिन ले सकते हैं या डिस्काउंट पूछ सकते हैं। गाइज, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो प्राइस लिस्ट है ये बहुत पुरानी प्राइस लिस्ट है और इसमें से कुछ कंपोनेंट्स हैं जो आपको अब करंट प्राइस लिस्ट में नहीं मिलते डीलर्स की तरफ से जो प्रोवाइड की जाती है। तो गाइज, सबसे पहले बात करते हैं एक्स शोरूम प्राइस से। तो जैसे आप ये देख रहे हो, ये एक्स शोरूम प्राइस होता है किसी भी कार का जिसमें कार परचेस की जाती है डीलर्स के थ्रू। तो गाइज, ये एक्स शोरूम प्राइस जो है ये फिक्स होता है, इस पर कहीं पर भी मार्जिन नहीं होता कि हम इसको कम करा सके। तो इस कंपोनेंट्स में आप डीलर्स को डिस्काउंट के लिए नहीं पूछ सकते। बात आते हैं सेकंड कंपोनेंट की, जो है हमारा इंश्योरेंस, और इसको हमें ध्यान से देखने की ज़रूरत है गाइस, बिकॉज ये ऐसा सेक्शन है जिस पे डीलर्स के पास काफ़ी मार्जिन होता है और आप इस सेक्शन से काफ़ी सारा डिस्काउंट आप निकाल सकते हो। तो गाइस, होता क्या है, जब भी आप कभी शोरूम विजिट करो और आपको जब भी सेल्स पर्सन आपका ब्रेकडाउन लिस्ट दिखाए, तो उसमें आप इंश्योरेंस सेक्शन को ज़रूर देखना और देखना कि इंश्योरेंस सेक्शन में आपको क्या अमाउंट मेंशन किया गया है। एंड आप डीलर से पूछ सकते हो, आप सेल्स पर्सन से पूछ सकते हो कि ये जो इंश्योरेंस सेक्शन में हमें अमाउंट दिया गया है, क्या इसमें हमें कोई डिस्काउंट मिल सकता है। आप इस इंश्योरेंस को ऑनलाइन चेक कीजिए एंड आप बोलिए अपने सेल्स पर्सन को, डीलर्स को, कि मुझे ये प्राइस ऑनलाइन में कंपैरिजन के बाद इतना डिफरेंस आ रहा है। और नॉर्मली अगर मैं आपको बताऊं सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो इस जो डीलर जो शोरूम आपको इंश्योरेंस प्राइस दे रहा होता है अपने ब्रेकडाउन लिस्ट में, और जो अगर आप उसको थर्ड पार्टी से वेरीफाई करोगे, ऑनलाइन वेरीफाई करोगे, तो आपको उसमें काफी अच्छा डिफरेंस देखने को मिलेगा। और यही डिफरेंस आप डीलर से मांग सकते हो। मैं आपको एक जनरल मोटा मोटा बताऊं तो यार, अगर कोई कार का इंश्योरेंस आपको ब्रेकडाउन लिस्ट में या डीलर आपको 60,000 का प्रोवाइड कर रहा है, तो हो सकता है वही आपको ऑनलाइन 40,000 के में आ जाए। तो काफी मार्जिन रहता है गाइस इस कंपोनेंट में। तो आपको इस कंपोनेंट से डीलर से मार्जिन मांगना है और हमेशा आपको वेरीफाई करना है, डीलर को बोलना है कि मैं इसको ऑनलाइन वेरीफाई करूंगा और मैं देखूंगा कि मुझे ऑनलाइन क्या प्राइस पे दिया जा रहा है। बिकॉज डीलर्स नॉर्मली क्या करते हैं, डीलर्स आपको ये बोलेंगे कि यार अगर आप ऑनलाइन ले रहे हो तो आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी होगी, आपको क्लेम के टाइम पे प्रॉब्लम आएगी। ऐसा कुछ नहीं है गाइज, जो ये इस पे जब भी आप क्लेम के लिए डालोगे या जब भी आप गाड़ी का क्लेम लोगे, तो ये जो होगा वो वर्कशॉप के थ्रू होगा, शोरूम का इसमें कोई वो नहीं रहता। तो आप अगर ऑनलाइन या थर्ड पार्टी से कहीं से भी इंश्योरेंस लेते हो, तो उससे आपको कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। और ये कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको अपने डीलर से ही या आपको शोरूम से ही इंश्योरेंस लेना है। आप चाहो तो अपनी कार का इंश्योरेंस बाहर से खुद भी ले सकते हो। तो गाइज, हमेशा आपको इस कंपोनेंट में ध्यान रखना है और इस कंपोनेंट से आपको डिस्काउंट निकलवाना है डीलर से। अब बात करते हैं अपने तीसरे कंपोनेंट की, जो है रजिस्ट्रेशन। तो ये जो रजिस्ट्रेशन कंपोनेंट है यार, ये फिक्स होता है
कार टू कार अगर आपकी कार सब 4 मीटर में आती है तो उसका अलग रजिस्ट्रेशन चार्ज होता है, एंड अगर आपके कार सब 4 मीटर से बाहर आती है तो उसका अलग रजिस्ट्रेशन चार्ज होता है. तो कार अकॉर्डिंग टू योर कार और अकॉर्डिंग टू योर प्राइस कार प्राइस ये वेरी करता है. तो ये रजिस्ट्रेशन फीस है जो गवर्नमेंट को पे किया जाता है, तो इसमें आप कोई भी डिस्काउंट नहीं मांग सकते, या आपको कोई भी डिस्काउंट इसमें नहीं मिलेगा. नेक्स्ट कंपोनेंट जो आप इसमें आपको देख रहे हो इस लिस्ट में वो हैंडलिंग चार्जेस. ये हैंडलिंग चार्जेस पहले लिया जाता था बिकॉज ये लिस्ट बहुत पुरानी है, तो अब ये आपको हैंडलिंग चार्जेस नहीं दिखेगा. अब बात करते हैं गाइस इसके अलावा जो कंपोनेंट आपकी ब्रेकडाउन लिस्ट में होते हैं वो होता है एक्सटेंडेड वारंटी का. एक्सटेंडेड वारंटी ऐसी चीज है जिसको आप, ये आपके लिए मैंडेटरी नहीं है कि आपको एक्सटेंडेड वारंटी लेनी ही है. आप चाहो एक्सटेंडेड वारंटी का हमेशा एक टाइम होता है, विद इन 2 ईयर्स आप कभी भी एक्सटेंडेड वारंटी के लिए जा सकते हो और एक्सटेंडेड वारंटी ले सकते हो. तो एक्सटेंडेड वारंटी जरूरी नहीं है कि आपको एट द टाइम ऑफ परचेज लेनी हो. इस एक्सटेंडेड वारंटी को आप विद इन 2 ईयर्स कभी भी ले सकते हो. अगर आपके पास बजट अभी नहीं है, एक्सटेंडेड वारंटी आप अभी नहीं लेना चाहते, तो इसको आप 2 साल के अंदर कभी भी अप्लाई कर सकते हो एक्सटेंडेड वारंटी के लिए. तो ये चीज है, अगर आपको लग रहा है कि आपको एक्सटेंडेड वारंटी अभी लेनी है तो आप ले सकते हो वो अमाउंट पे करके. बट ये भी अमाउंट फिक्स होता है, इसमें आप ज्यादा कोई डिस्काउंट वगैरह का ऑप्शन आप इस फोन में आपको नहीं मिलेगा. अदरवाइज एक्सटेंडेड वारंटी आप 2 साल के पीरियड में कभी भी अप्लाई कर सकते हो, कभी भी ले सकते हो. बात करते हैं यार नेक्स्ट कंपोनेंट की जो इस आपको इस ब्रेकडाउन लिस्ट पे नहीं दिख रहा, बट करेंटली कई डीलर्स ये अपने ब्रेकडाउन लिस्ट में देते हैं, एंड वो है बेसिक किट. और इसमें क्या होता है यार, इसमें बेसिक किट, देखो आप बेसिक किट आपके लिए मैंडेटरी नहीं है. बेसिक किट का सीन है यार, अगर आपको लगानी है शोरूम से तो आप लगा सकते हो, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बेसिक किट के अगर आप नहीं लगाओगे तो आपको कार नहीं मिलेगी. तो आप बेसिक किट चाहो तो आप बाहर से भी लगा सकते हो, और मेरी एडवाइस ये रहेगी कि बेसिक किट आप चाहो तो बाहर से ही लगाओ, बिकॉज जो शोरूम से प्रोवाइड की जाती है बेसिक किट, जिस प्राइस में शोरूम प्रोवाइड कर रहा होता है उससे बहुत ही कम प्राइस में आपको बाहर आफ्टर मार्केट मिल जाएगी वो बेसिक किट. और बेसिक किट ऐसी चीज है जिसका आपके कार के इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स से या किसी उसी से लेना देना नहीं होता. बेसिक किट में आपके इंक्लूड होते हैं मैट्स, आपकी सीट कवर्स, आपका बम्पर गार्ड, आपके मड फ्लैप, ये सब चीजें बेसिक किट में आती हैं. और ये सब चीजें जो अगर आप शोरूम से कराते हो तो आपको हो सकता है उसमें एक्स्ट्रा पैसे देने पड़े और वही चीज आपका आफ्टर मार्केट कम पैसों में हो जाए. तो ये एक पोर्शन है जहां से आप डिस्काउंट ले सकते हो, या इस चीज को आप ना लेके वो पैसा सेव कर सकते हो. तो गाइस यही कुछ कंपोनेंट्स हैं जहां पे आप नई गाड़ी परचेस कर सकते समय डिस्काउंट ले सकते हो. तो हमेशा ध्यान रखो यार, एक हमारा इंश्योरेंस सेक्शन है जिससे हम अपना अच्छा खासा डिस्काउंट निकाल सकते हैं. सेकेंड जो हमारे पास सेक्शन आता है वो आता है हमारा बेसिक किट का सेक्शन. अगर आपको बेसिक किट, मैं तो यही बोलूंगा कि आप बेसिक किट शोरूम से ना लगाएं, और बेसिक किट के लिए आप आफ्टर मार्केट ले सकते हैं, एंड उसमें भी आप काफी पैसा बचा सकते हो. तो ये 2 पोर्शंस हैं जहां से आप अपनी नई कार लेते समय सेविंग कर सकते हो. एंड अगर मेरी तरफ से कोई पॉइंट छूट रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो. और अगर इस वीडियो के थ्रू आपकी जरा सी भी हेल्प हुई है तो प्लीज लाइक टू दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. इस वीडियो में गाइस इतना ही, मिलता हूँ आपसे किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ. तब तक के लिए बाय.